आप कहते हैं ये फाइनेंशियल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन छोटी चीज है मेरी जान, मॉरल करप्शन के ऊपर आपको आके कौम के सामने जवाबदेह होना है। अगर आप नहीं जवाबदेह होते, जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों को यकीन होता जा रहा है, लोगों को यकीन होता जा रहा है, पुख्ता होता जा रहा है, वरना ब्लैकबेरी देने में क्या हर्ज है, ले ले मेरा आईफोन, ले जाकर इसको जो आपने करना है इसकी करने चले। मेरा और आपका मुकाबला हो नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ले ले। तो कहने से मुराद ये हुई कि अगर आप कल भी नहीं आके इसको करते, संडे का दिन अच्छा होगा, या अगर आप नथिया गली से वापस आ गए हैं तो कल कर ले, परसों कर ले, आके कौन को बताएं। इस इतने बड़े इल्जाम पे आपकी दुम पे पाऊ नहीं आया, छोटा सा बात होती है कोई बंदा कर देता है, कोई एमएनए कर देता है, कोई वजीर कर देता है, तो आप अपने 8-10 सवारियों के साथ आके उसको गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, उसको इल्जाम आप क्या बुछाड़ कर देते हैं, पकड़ियां उछालनी शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह मियां का कहर है, हम भी बात कर रहे हैं, हम तो कोई पकड़ी नहीं उछाल रहे, हम तो किसी की इज्जत को पामाल नहीं कर रहे। आप तो मां बहन और बेटियों की गालियां अपने एमएनए की बेटियों को निकलवाई हैं। श्री मजारी साहिबा होश करें, क्या हो गया आपको, आपकी बेटी के साथ क्या नहीं किया इन जालिमों ने, होश करें। लाज बलोच साहबा दिलेरी का मुजाहरा करें जिस तरह गुलाई ने किया है, और ये सारी चीजें जो है आपको बतानी है। अभी तो एक और खातून थी लाहौर की मलाइका, उसके पास बहुत कुछ है। अभी तो मैं समझता हूँ कि रेहम खान साहिबा ने बड़ा आला जरफी का मुजाहरा किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ।